बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक उस्ताद था, वो अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करता था कि ये दीन बड़ा कीमती है। एक रोज़ एक तालिबे इल्म का जूता फट गया। वो मोची के पास गया और कहा, मेरा जूता मुरम्मत कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें दीन का एक मसला बताऊंगा। मोची ने कहा, अपना मसला पास रखो, मुझे पैसे दो। तालिबे इल्म ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मोची किसी सूरत ना माना और बगैर पैसे के जूता मुरम्मत ना किया। तालिबे इल्म अपने उस्ताद के पास गया और सारा वाक्या सुना कर कहा, लोगों के नज़दीक तो दीन की कीमत कुछ भी नहीं। उस्ताद भी अक्लमंद थे और तालिबे इल्म से कहा, अच्छा तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ, तुम सब्जी मंडी जाकर उसकी कीमत मालूम करो। वो तालिबे इल्म मोती लेकर सब्जी मंडी जा पहुंचा और एक सब्जी फरोश से कहा, इस मोती की कीमत लगाओ। उसने कहा कि तुम इसके बदले यहां से 2-3 लीमों उठा लो, इस मोती से मेरे बच्चे खेलेंगे। वो बच्चा उस्ताद के पास आया और कहा कि उस्ताद मोहतरम, इस मोती की कीमत तो 2 या 3 लीमों है। उस्ताद ने कहा, अच्छा अब तुम इसकी कीमत सुनार से मालूम करो। वो गया और पहली ही दुकान पर जब उसने मोती दिखाया तो दुकानदार हैरान हो गया। उसने कहा कि अगर तुम मेरी पूरी दुकान भी ले लो तो भी इस मोती की कीमत पूरी ना होगी। तालिबे इल्म ने अपने उस्ताद के पास आकर सारा माजरा सुनाया। उस्ताद ने कहा, बच्चे हर चीज़ की कीमत उसकी मंडी में लगती है, दीन की कीमत अल्लाह की मंडी में लगती है। इस कीमत को अहले इल्म ही समझ सकते हैं, जाहिल क्या जाने दीन की कीमत को। जो लोग हमें दुरुस्त तरीके से समझकर हमारा साथ नहीं देते, हमें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को हर कदम पर बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए ताकि हमारी गुफ्तगू, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन और हमारा मुयार ये खुद बखुद साबित करें कि हम इस्लाम को दूसरों से बेहतर और सही मायनों में समझ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही मायनों में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।